24 न्यूज। जसपुर विधायक विनी भगत ने ग्राम पंचायत सरकोनबो में कंबल और रेनकोट का वितरण किया, साथ ही बगीचा गम्हरिया गर्ल्स हॉस्टल में मच्छरदानी भी बांटी। मंगलधाम के विधायक मद से 2,10,000 रुपए के मंदिर सीढ़ी निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। बसंत पंचमी के अवसर पर आज जसपुर विधायक विनय भगत बगीचा विकास खंड के बकलोल ग्राम पंचायत के मंगलधाम पहुंचे, जहां विधायक मद से 2,10,000 रुपए के मंदिर सीढ़ी निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान धाम में आस्था रखने वाले सैकड़ों लोग हैं, अपने विनय भगत का स्वागत किया। धाम के पुजारी ने अपने उद्बोधन में कहा, पढ़े लिखे विधायक को अपने बीच पाकर बहुत खुशी हो रही है, जो बिना बोले और बिना मांगे हमारी भावनाओं को समझते हुए हम लोगों की आस्था के लिए दिल खोल सहयोग कर रहे हैं। अपने उद्बोधन के दौरान धाम के पुजारी ने इतना तक कह दिया कि पहले हम बीजेपी के लिए वोट करते थे और भाजपा के विधायक बनते ही हमें भूल जाते थे, धर्म के नाम पर वोट मांगते रहे लेकिन कभी धार्मिक स्थल के लिए कार्य नहीं किया। इस दौरान माता सती रानी सबकी मनोकामना को पूर्ण की है। जसपुर विधायक विनय भगत ने कहा कि मैं आप लोगों का बेटा हूं, आपके बीच आकर आप लोगों से सलाह लेकर ही कार्य करता हूं। मुझे आप लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताया है, जिसकी कीमत मुझे पता है, और मुझे धार्मिक जिन्होंने धर्म के नाम पर ठग कर अभी तक ठगते आए थे, लेकिन अब आपका बेटा धर्म की रक्षा के लिए बीड़ा उठा लिया है। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम धर्म के नाम पर बांटने का काम नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हम आपसी भाईचारे के साथ रहना है। इस दौरान जसपुर विधायक विनय भगत, एसडीएम सुश्री ज्योति बबली, हुजूर नायाब तहसीलदार रोशनी तिर्की, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री एवं सरगुजा प्रभारी फूल खेरिया भगत, जनपद उपाध्यक्ष मनोरा एवं जिला कांग्रेस महामंत्री संजू भगत, जसपुर ब्लॉक अध्यक्ष सूरज चौरसिया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता, जनपद उपाध्यक्ष सुरेश जैन, जनपद सदस्य सभापति रामजी भगत, गंगा यादव, विवेक कुजूर, राजू यादव समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।